हाउ टू क्रिएट एनएसजेएस पेमेंट बैंक भीम यूपीआई आईडी। नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक भारद्वाज आप सबका फिर से स्वागत करता हूं अपने आज की वीडियो में। मेरा आज का वीडियो एनएसजेएस पेमेंट बैंक को लेकर जुड़ा है, जिसके माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरह अपने एनएसजेएस पेमेंट बैंक की यूपीआई आईडी को क्रिएट कर सकते हो। तो चलिए पूरी जानकारी के लिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं अपने चैनल पर आप सभी लोगों के लिए ऐसे ही यूजफुल वीडियो लाता रहता हूं जो आप सभी लोगों के लिए काफी काम के साबित होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। जैसा कि आप सभी को मालूम ही है, दो दिन पहले मैंने अपना एक वीडियो अपलोड किया था जो कि है एनएसजेएस पेमेंट बैंक का, और मैंने आपको उसमें बताया था कि आप किस तरह एनएसजेएस पेमेंट बैंक का अकाउंट लाइफ टाइम के लिए फ्री में एक्टिवेट कर सकते हैं, वो भी विदाउट किसी चार्ज के, और आपको इसमें मंथली मेंटेनेंस रखने की भी जरूरत नहीं है। ये वो अकाउंट है जिसपे आपको 10,000 रुपये मंथली रखने पड़ते थे, लेकिन अब लॉकडाउन के चक्कर में इसको बिल्कुल फ्री कर दिया गया है। तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, काफी लोगों ने इसके अंदर अपना अकाउंट भी बना रखा है, अब उनको दिक्कत आ रही है कि उनका यूपीआई आईडी क्रिएट नहीं हो रहा है। तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, बहुत ही आराम से इस एनएसजेएस पेमेंट बैंक की यूपीआई आईडी को क्रिएट कर सकते हो। आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी, बस आपको वही तरीका करना होगा जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए सीधा मैं आपको अपनी मोबाइल स्क्रीन पर लेके चलता हूँ, वहीं पर मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरह एनएसजेएस पेमेंट बैंक की भीम यूपीआई आईडी को क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए सीधा हम अपनी मोबाइल स्क्रीन पर चलते हैं। ये मैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पे आ चुका हूँ। जैसा कि आपको यहाँ एनएसजेएस पेमेंट बैंक की एप्लीकेशन दिखाई दे रही है, अगर आपको इसका यूपीआई बनाना था, सबसे पहले आपको इसके अंदर जो इसका कार्ड होता है उसे एक्टिवेट करना होगा, यानी जो इसमें हमको डिजिटल कार्ड मिलता है आपको उसे एक्टिवेट करना होगा। तो चलिए पहले मैं उस कार्ड को यहाँ से एक्टिवेट कर लेता हूँ। तो मैं इस एप्लीकेशन को यहाँ से ओपन कर रहा हूँ और यहाँ फिंगरप्रिंट के माध्यम से इसको मैं लॉगिन कर लेता हूँ। ये एप्लीकेशन हमारी लॉगिन हो चुकी है। अब आपको देखिए यहाँ एक ऑप्शन दिखाई देता है कार्ड का, तो आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए। इस वाले ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आप यहाँ अपने अकॉर्डिंग किसी भी कार्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं सेकंड वाला जो हमारा वीजा वाला कार्ड है इसको यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और देन ऐड कार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। ऐड कार्ड वाले ऑप्शन में क्लिक करके देखिए हमारे सामने हमारा कार्ड आ चुका है, जिसमें हमारा कार्ड का नंबर लिखा है, एक्सपायर डेट लिखी है, और जो इसका सीवी नंबर है ये भी हमारे सामने यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। तो चलिए अब हम इस कार्ड के नंबर को कहीं नोट कर लेते हैं, उसके बाद हम भीम एप्लीकेशन के अंदर चलेंगे और वहीं पर हम अपने यूपीआई को क्रिएट करेंगे, यानी एनएसजेएल पेमेंट बैंक की यूपीआई को। यहाँ से मैं बैक आ जाता हूँ। इसकी जो हम यूपीआई आईडी बनाएंगे वो बनाएंगे गूगल पे के माध्यम से। पहले मैं आपको भीम एप्लीकेशन के अंदर जाके दिखा देता हूँ कि हम उसके माध्यम से क्यों नहीं बना सकते। ये जैसा कि देख रहे हैं यहाँ मेरी भीम एप्लीकेशन है, इसको यहाँ से मैं ओपन कर रहा हूँ। यहाँ भीम एप्लीकेशन हमारी ओपन हो चुकी है। अब हम यहाँ प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ बैंक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। अब हमारे सामने देखिए प्लस का निशान आता है, तो हम यहाँ क्लिक करते हैं, यहाँ एनएसजेएल बैंक को सर्च करते हैं एनएसडीएल। तो अभी देखिए ये हमें कोई सा भी बैंक नहीं दिखा रहा, तो हम इसके माध्यम से आईडी नहीं क्रिएट करेंगे, हम करेंगे गूगल पे के माध्यम से। तो यहाँ से मैं बैंक आ जाता हूँ और यहाँ से मैं गूगल पे ओपन कर लेता हूँ। अगर आपका गूगल पे के अंदर अकाउंट नहीं है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गूगल पे का लिंक मिल जाएगा, आप चाहे तो वहां क्लिक करके गूगल पे के अंदर अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मेरा गूगल पे ओपन हो चुका है। इसके बाद आप यहाँ प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए और देन आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा पेमेंट मेथड का, तो आप इसे सिलेक्ट करिए। इसके बाद जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने पहले से ही अपने 4 अकाउंट ऐड कर रखे हैं। यहीं पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है ऐड बैंक अकाउंट, तो आप इस वाले ऑप्शन में क्लिक करिए। आपके सामने देखें काफी सारे बैंक आ जाते हैं। तो अब हम यहाँ से एनएसडीएल को सर्च कर लेते हैं, एनएसडीएल। ये देखिए एनएसडीएल मैंने सर्च कर लिया है, हमारे सामने आ चुका है एनएसडीएल पेमेंट बैंक। तो आप सीधा इसे सिलेक्ट करें और जो आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस नंबर को यहाँ आप ऐड करिए और सीधा सेंड एसएमएस पे क्लिक कर दीजिए। आपके मोबाइल के अंदर कम से कम 10 रुपये का रिचार्ज होना चाहिए, क्योंकि आपके मोबाइल 1.5 रुपये का चार्ज करता है, उसी के बाद आपका ये अकाउंट वेरीफाई होगा। तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ से मुझे मेरा
एनएससीएल पेमेंट बैंक का अकाउंट दिखा दिया है। अब आपको यहाँ नीचे स्टार्ट का बटन दिखाई देता है, आप सीधा स्टार्ट वाले बटन पर क्लिक करिए। अब देखिए ये आपसे लास्ट 6 डिजिट मांग रहा है, यानी जो लास्ट 6 डिजिट आपके नंबर है जो कि डेबिट कार्ड के नंबर है, मैंने आपको दिखा दिया कि आप डेबिट कार्ड किस तरह एक्टिवेट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं उस नंबर को ऐड कर देता हूँ। नंबर ऐड करने के बाद आपको यहाँ एक्सपायर डेट भी लिखनी होगी, तो चलिए यहाँ मैं एक्सपायर डेट लिख देता हूँ। यहाँ मैंने नंबर लिख दिए और एक्सपायर डेट लिख दिए। अब यहीं आपको नेक्स्ट का बटन दिखाई देता है, आप नेक्स्ट पे क्लिक करें और देखिए यहाँ क्रिएट पिन का ऑप्शन आ चुका है, तो मैं सीधा क्रिएट पिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूँ। हमारे मोबाइल पे एक फिर से ओटीपी आएगा, वो ओटीपी ऑटोमेटिकली यहाँ डल जाएगा, तो हमको थोड़ा सा वेट करना होगा। देखिए यहाँ ओटीपी आ चुका है। अब आप यहाँ अपना पिन सेट कर लीजिए जो कि 4 नंबर का है, तो यहाँ मैं पिन सेट कर लेता हूँ। ये मैंने पिन लिखा है, अब मैं नेक्स्ट वाले पे क्लिक करके इसे कन्फर्म पिन पे क्लिक कर लेता हूँ। मैं इसे दोबारा से पिन को कन्फर्म कर लिया, मैं टिक मार्क वाले ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूँ। अब हमको यहाँ थोड़ा सा वेट करना है। ये देखिए हमारा ये अकाउंट सक्सेसफुली यहाँ ऐड हो चुका है एनएसडीएल पेमेंट बैंक का। ये देखिए ये वही अकाउंट है जो मैंने आपको कल बना के दिखाया था, जो कि फ्री अकाउंट था। इसमें आप अपना बैलेंस भी चेक कर सकते हो, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। फिलहाल इसके अंदर 0 बैलेंस है, तो ये हमको 0 ही दिखाएगा। ये देखिए अकाउंट बैलेंस 0। तो अब आप इसके माध्यम से बहुत ही आराम से किसी भी अकाउंट से पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। अगर आपको एनएसडीएल की यूपीआई आईडी क्रिएट करने में किसी भी तरह की कोई परेशानी आए, तो आप स्क्रीन पे देखे नंबर मुझे फोन कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी सपोर्ट करूंगा आपका एनएसडीएल पेमेंट बैंक की यूपीआई आईडी क्रिएट करने में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।